मेरा नाम सुनीला रूत है और मैं सबका मेंबर कौमी असेंबली हूँ और मैं आज अपनी तमाम पाकिस्तानी कौम से मुखातिब हूँ, ख़ास तौर पर अपनी मसीही बरादरी से। मैं हमारी जो पार्टी है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ, वो मसीहों के लिए बहुत अच्छे जज्बात रखती है और हमें उनसे हमदर्दी भी है। लेकिन मैं ये बताना चाहती हूँ और ये वाजे करना चाहती हूँ कि ये जो ग्राउंड है जहाँ पर जो मतनाज़े बनी हुई है, जहाँ पर हमारा जलसा होने जा रहा है, यहाँ पर ये ग्राउंड जो है ये किसी भी चर्च कंपाउंड का हिस्सा नहीं है और ना ही ये कोई ऐसी जगह है जहाँ पर सिर्फ मखसूस इबादत होती हैं। यहाँ पर हाँ ये दुरुस्त है कि यहाँ पर सियालकोट कन्वेंशन हुआ करती है, लेकिन ये जो ग्राउंड है ये बहुत सी और भी इवेंट्स के लिए इस्तेमाल होता है। यहाँ पर शादी ब्याह होते हैं, यहाँ पर हमारे जनाजे भी होते हैं, यहाँ पर बच्चे खेलते कूदते हैं और यहाँ इस ग्राउंड की कोई चार दीवारी भी नहीं है, ना गेट लगा हुआ है और यहाँ पर नशे ही बैठे रहते हैं और जानवर घूमते रहते हैं और बहुत सारे हिस्सों पर कब्जा भी हुआ है। मुझे बहुत अफसोस है कि ये इम्पोर्टेड हकूमत जो है इसने अकलियतों को और बिलखुसूस क्रिश्चियन कम्युनिटी को मोरा बनाया और अपने मकासद के लिए कि इमरान खान की इस हकीकी आजादी मार्च को सल्ब करने के लिए, उसको खराब करने के लिए, उसको रोकने के लिए उन्होंने एक ऐसी कम्युनिटी का को मोरा बनाया जो कि एक बड़ी पुरअमन कम्युनिटी है जिन्होंने कभी इस किस्म के एहतजाज किए ही नहीं है। और मैं समझती हूँ ये बहुत ये साजिश हुई है, बहुत बड़ी साजिश हुई है। और मैं ये भी कहती चलूं कि ताहिर खलील सिंधु और कामरान माइकल भूल गए हैं जब इन्होंने मरियम बीबी को लाहौर कैथीड्रल की पुलपट से एक सियासी तकरीरें करवाई थी। वो थी बेहुर्मती, वो थी चर्च की पामाली, वो थी मुकद्दस जगह पर खड़े होकर पॉलिटिकल स्टेटमेंट्स देने की बात। मैं समझती हूँ कि यहाँ पर कोई भी पामाली नहीं हो रही। इमरान खान जो है वो अकलियतों के लिए बड़े अच्छे जज्बात रखते हैं और ये जो हकीकी मार्च है ये होके रहेगा और हर बच्चा, हर बूढ़ा, हर नौजवान जो है इसमें शामिल होगा और मसीही कम्युनिटी बहुत बड़ी तादाद में उनको वेलकम करेगी। पाकिस्तान जिंदाबाद।